जैन मेरे भाई नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ वास्तु में। आज एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में रिसेंटली हमने जो प्रीवियस क्लासेस में हमने कई कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हमने चर्चा करी, तो कुछ कॉन्सेप्ट और रह गए हैं जैसे कि एक डिफरेंट ऑफ सेलिंग प्राइस एंड जो है डिफरेंट आर्टिकल, और उसके बाद जो एक मिसलिनियस टाइप के जो है क्वेश्चन रह गए, कॉन्सेप्ट रह गया है। उसके बाद जो एक दुकानदार जो एक डिसऑनेस्ट जो है ना शॉपकीपर होता है, जो बेईमान दुकानदार होता है, तो इतने कुछ टॉपिक रह गए हैं, जो कॉन्सेप्ट रह गए जो जो है बचे हुए हैं उनको बहुत जल्दी हम जो है ख़त्म कर लेंगे। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है चर्चा करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इससे सवाल। रिसेंटली अभी जब एग्ज़ाम हुए तो 2022 और 23 में, तो उसमें भी जो है इस कॉन्सेप्ट से जो है, या हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर से सवाल यहाँ से आए हुए थे। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट ये है कि कह रहे हैं कि अगर आपने कोई आर्टिकल, मतलब कुछ आर्टिकल समथिंग सेलिंग प्राइस पर आपने अगर बेचा है तो आपको समथिंग कुछ प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यदि उसी आर्टिकल को है ना, उसी समथिंग आर्टिकल को इतने रुपए में अगर बेचते तो कितने का प्रॉफिट होता है ना। तो ये आपसे जो है पूछता है कि कुल टोटल प्रॉफिट क्या है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट जो हम ये सीख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो डिफरेंट सेलिंग प्राइस हो और जो है डिफरेंट आर्टिकल हो और उस पर जो है कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस होता है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है हम चर्चा कर रहे हैं और इसको जो है समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस बात की उम्मीद भी कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने टीयर वन का एग्ज़ाम दिया है, SSC CGL टीयर वन का एग्ज़ाम दिया है, देखिए आपने एग्ज़ाम दिया है, अच्छी बात है। आप इस चीज़ को वेट मत करो कि नहीं मेरी कट ऑफ कितनी जाएगी, कितना मेरा टीयर वन क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। आप जो है टीयर टू के लिए मेहनत करो, टीयर टू जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए जो है टीयर टू पे ज़्यादा फोकस करो। कट ऑफ को जो है चीज़ों को जो है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन कट ऑफ के लिए आप इंतज़ार मत कीजिए। ठीक है, अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंट SP एंड आर्टिकल। अब ये है क्या, इसके बारे में पहले आप समझो। ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसके ऊपर जो है जो दो तीन सवाल जो बनते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद जो है हम इस पर जो है कितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं उनके ऊपर भी हम जो है चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे सवाल इन पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को लोग जो है कहते हैं कि हमने बनाया है ना, ये हमारा बनाया हुआ है, ये हमने ये निजात किया हुआ है। लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कहेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सदियों से चला आ रहा है, बट जो है किसी ने इस पर जो है ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलिए हमने कहा कि ये एक व्यक्ति है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट को पहले समझ रहे हैं। ठीक है, ये एक व्यक्ति है, इसने जो है कहा कि एक जगह से इसने जो है हम ये मान करके चलते हैं कि इसने जो है एक्स बॉल खरीदे। ठीक है, एक्स बॉल खरीदी, दूसरी जगह से इसने वाई बॉल खरीदे। ठीक है, यानी कि ये जो बंदा था, मान लो कि इसका नाम है राम। ठीक है, इसने एक जगह से एक्स बॉल खरीदा, दूसरी जगह से इसने वाई बॉल खरीदा। बात क्लियर है? सॉरी, खरीदा नहीं, बेचा। इसने एक जगह इसने जो एक्स बॉल बेचा, दूसरी जगह इसने जो है वाई बॉल बेची है। तो अगर मैं कहूँ कि इसने जो है एक्स बॉल को कितने में बेचा, हमने कहा ₹P में इसने बेचा है। ठीक है, P1 हमने मान लिया, यानी कि हमें देखो एक्चुअल में हमने P1 हम क्यों मान रहे हैं,
हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि कितने में खरीदी है। तो हम ये कॉन्सेप्ट को पहले समझ रहे हैं, इसके बाद हम सवालों के ऊपर भी जो है चर्चा करेंगे, सवाल में कैसे शॉर्टकट तरीके अपनाए जाते हैं वो भी उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हमने कहा कि इस व्यक्ति ने एक जगह, इसने जो है पहली जगह पे इसने एक्स बॉल बेचा जो है P1 रुपीज में। मान लीजिए कि इसको जो है बेचा तो इसको जो है ए परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कितने परसेंट का, ए प्रॉफिट का, ए परसेंट का प्रॉफिट हुआ। दूसरी जगह जब इसने बॉल को वाई बॉल बेची, तो वाई बॉल जब इसने बेचा, तो जब वाई बॉल बेचा तो इसने जो है P2 रुपये में इसने बेचा, ठीक है। मैंने कहा ना कि SP सेलिंग प्राइस जो है डिफरेंट डिफरेंट है, और जो है आर्टिकल भी डिफरेंट है, यहाँ पे एक्स बॉल बेचा है, यहाँ पे जो है वाई बॉल बेचा है। तो कह रहा है कि अगर जो पहली जगह अगर एक्स बॉल बेचा तो इसको 30% का प्रॉफिट हुआ, सॉरी ए परसेंट का प्रॉफिट हुआ। अगर ये वाई बॉल बेचता इतने समथिंग P2 रुपीज़ में, तो इसको कितने रुपये का प्रॉफिट होता। तो हमने ये कह दिया कि भैया इसको मान लो कि इसको जो है बी परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब सवाल ये है कि अभी टोटल आपको बताना है कि अगर ये इस व्यक्ति को टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक चीज़ देखो कि अगर हम ये बात करें कि SP ऑफ एक्स बॉल, एक्स बॉल की SP कितनी है, आप कहोगे सेलिंग प्राइस कितनी है, आप कहोगे सर P1 रुपीज़ है। तो अगर मैं ये कहूँ कि SP ऑफ वन बॉल कितना होगा, आप कहोगे सर P1 बटा के एक्स हो जाएगा, क्लियर है ना। वहीं पर इसकी बात करें, हमने कहा कि SP ऑफ वाई बॉल कितना है, आपने कहा कि सर SP ऑफ वाई बॉल इट इज़ अ P2, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि SP ऑफ वन बॉल, एक बॉल की कीमत कितनी होगी, तो हमने ये कहा कि एक बॉल कितने में बेचा होगा, तो हमने कहा कि P2 अपान के Y में इसने बेचा होगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर इसने ए परसेंट का प्रॉफिट यहाँ कमाया है, बी परसेंट का प्रॉफिट यहाँ कमाया है, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ कि एक बॉल की CP क्या मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं, एक बॉल की CP निकाल सकता हूँ ना, कॉस्ट प्राइस तो निकाल ही सकते हैं एक बॉल की। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं ये कहूँ कि CP ऑफ वन बॉल की CP क्या निकल करके आएगी, तो आपको पता होगा कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी हमें CP निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि SP अपान के उसमें 100 प्लस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, इनटू 100 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये CP निकालने का हमारा जो है तरीका होता था, डायरेक्टली हम निकाल सकते थे, ठीक है। तो अगर मैं जो है एक बॉल की कॉस्ट प्राइस अगर निकालना चाहूँ तो क्या निकालूंगा, हमारा जो एक बॉल का सेलिंग प्राइस कितना है, आप कहोगे सर P1 बटा के एक्स हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे कर लें, P1 बटा के एक्स हो जाएगा अपान के हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आपने कहा कि सर ए परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, हमने कहा प्लस में हमने ए परसेंट लगा दिया, ठीक है, इनटू 100 हमने कर लिया। ठीक इसी तरीके से इस दूसरी का निकाल लीजिए कि CP ऑफ वन बॉल क्या निकल करके आ जाएगा, आप कहोगे सर P2 बटे के Y टोटल के बटे के 100 प्लस बी इंटू। अब देखिए एक बॉल की कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पे निकाल ली, एक बॉल की CP हमने यहाँ पे निकाल ली, क्या हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो हमने जो P1 अगर ये X है, ध्यान देने वाली बात है, अगर ये X है तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा X इंटू 100 प्लस A इंटू सॉरी इन 100 इक्वल टू P2 अपान के Y ब्रैकेट में 100 प्लस B इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, P1 अपान के X ब्रैकेट में 100 प्लस A इजकल टू P2 अपान के 100 प्लस B, ठीक है। एक्चुअल में इसे कभी कभी हम क्या लिखते हैं, कभी कभी नहीं ऑलवेज हमेशा ये लिखा जाता है कि 100 प्लस माइनस A, ठीक है, बराबर P2 अपान के 100 प्लस माइनस B। ये हमने यहाँ पे क्यों लिखा कि आप यहाँ पे नोट करके ये लिख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जो प्रॉफिट ही हो रहा है, हो सकता है इसको लॉस हो रहा हो सकता है नुकसान हो रहा होगा, तो हमने प्लस माइनस ये दोनों चीज़ें लगा रखी है।
अगर इस व्यक्ति को, अगर ये यहाँ पर अगर जो माइनस में आया तो हम ये समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति को यहाँ पर जो है लॉस हुआ है, अगर ये पॉजिटिव आया तो हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति को यहाँ पर जो है नुकसान हुआ है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर वाई है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है वाई है। अब एक चीज़ देखो कि लोग जो है इसी को आप जो है इसी को लोग कहेंगे कि ये मैंने निजात किया हुआ है, मैंने बनाया हुआ है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। लोग ये इसका लोग जो है बहुत दावा ठोकते हैं कि इसको जो है हमने निजात किया हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कोई किसी को बनाने बहुत पहले से चला हुआ है, ठीक है। लोग इस पे यूट्यूब पे बहुत बहुत भौकाल बनाते हैं कि नहीं इसको हमने निजात किया हुआ है, हमने बनाया हुआ है। अरे आपने भैया बनाया नहीं है, ये बहुत पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। जो है तरीकों को ढूंढने के जो है चीज़ें जो है होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं कि अच्छा ये हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है, हमने इस कॉन्सेप्ट को हमने थोड़े से अच्छे तरीके से हमने जो है समझने की पूरी कोशिश करी। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने एक जगह इसने एक्स बॉल बेचा P1 रुपीज में, 1% का इसको जो है प्रॉफिट हुआ। दूसरी जगह अगर यही बॉल अगर इसी व्यक्ति ने दूसरी जगह से इसने जो है या खरीदा है या बेचा है समथिंग कुछ भी, तो अगर ये बॉल इसने बेची है और यहाँ पर इसको जो है 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ से जो है आप क्या निकाल सकते हो, एक बॉल की जो है कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, एक बॉल की यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे तो आपको ये चीज़ें पता हो जाएगी। आप कहोगे सर ये वाई क्या है, देखो एक्स क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब कितने बॉल खरीदी गई हैं, ठीक है, या फिर कितने बॉल बेची गई हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। वाई क्या है, ये भी क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल है, यानी कि कितने बॉल खरीदी गई हैं और कितने बॉल जो है बेची गई हैं, ये क्या है, ये क्या चीज़ दिखा रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई ये यहाँ पर जो है डिफरेंट SP और जो है आर्टिकल के बीच में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको जो है यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस भी आपको दे सकते हैं कि भाई क्या पता इस बंदे ने एक्स बॉल खरीदी हो, एक जगह से इसने एक्स बॉल इतने रुपए में ख़रीदा, इसको 1% का नुकसान हुआ, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं कि उस केसेस में हम जो है सेलिंग प्राइस निकालते हैं एक आर्टिकल का, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इस चीज़ को जो है ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट था बहुत छोटा सा था, बहुत प्यारा सा था, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, एक सवाल हम करते हैं, एक सवाल से आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक सवाल अगर मैं बताऊं तो हमने कहा कि ये एक व्यक्ति है राम, ठीक है, हमने कहा ये एक व्यक्ति है राम, इसने हमने ये कहा कि इन्होंने 15 बॉल मान के चलो कि 15 बॉल इन्होंने 500 रुपये में बेचा, 500 रुपये में इन्होंने बेचा, तो इनको जो है हमने ये कहा कि इनको जो है 40% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। राम ने 15 बॉल बेची तो इनको जो है 500 रुपये में 15 बॉल बेची तो इनको जो है 40% का प्रॉफिट हुआ। वहीं पर दूसरी जगह इन्होंने 10 बॉल बेची और वहाँ पर ये जो है इन्होंने 400 रुपये में बेचा, ठीक है, 10 बॉल इन्होंने कितने में बेचा, 400 रुपये में बेचा, तो वहाँ पर जो है इनको जो है 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि इस लेन देन में, इस पूरी प्रक्रिया में कितना व्यक्ति या जो राम है उसको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना उसको जो है नुकसान हुआ, ये इन केसेस में आपसे जो है पूछ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों जगह ये प्रॉफिट ही हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि एक जगह जो है लॉस में चल रहा हो, दूसरी जगह क्या हो प्रॉफिट में चल रहा हो, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारा मेन मुद्दा क्या है, कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है समझना है, ठीक है। दूसरी बात, इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी हम कैसे करेंगे, उस चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे, कैसे हम उसको जो शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले लॉन्ग तरीके से हम देखते हैं, हमने कहा कि 15 बॉल इन्होंने 500 रुपये में बेची है तो इनको जो है 40% का प्रॉफिट हुआ। तो अगर मैं ये कहूँ कि SP ऑफ 15 बॉल की SP कितनी है, आप कहोगे सर 15 बॉल की SP कितनी है, 500 रुपये है। तो अगर मैं ये कहूँ कि SP ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की SP कितनी है, तो आप कहोगे सर 500 बटे के 15, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो है 100/3। ये हमारे पास क्या है, SP ऑफ 1 बॉल की जो है सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि
कि अगर एक बॉल की सेलिंग प्राइस 100/3 है, ठीक है, एक जगह से उन्होंने ये करा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, दूसरी जगह अगर हम आते हैं तो हमने ये कहा कि भैया 10 बॉल कितना होगा। आपने कहा कि सर 400 रुपये दिया हुआ है, तो SP of 1 बॉल कितना होगा। हमने कहा SP of 1 बॉल कितना होगा, तो आपने कहा 400/10, 10 से कैंसिल, कितने हो गए, 40 हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से हम जो है एक बॉल की जो है कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो जब आप एक बॉल की कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि CP of 1 बॉल। CP of 1 बॉल तो कैसे निकलता है, आप कहोगे कि सर जो 100/3 हमारा जो है क्या है, एक बॉल की सेलिंग प्राइस है, कितना प्रॉफिट हुआ 40% का, यानी कि 100 + 40 × 100। यहाँ से आ जाओ, CP of 1 बॉल यहाँ से भी निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 40/, आप कहोगे सर 100 + जो है 20% का प्रॉफिट है, यानी कि 100 + 20 × 100। ये एक बॉल की CP है, ये भी एक बॉल की CP है, दोनों को आपस में इक्वल कर दो तो कितने हो जाएंगे 100/ हम ये कह सकते हैं कि 100/ जो यहाँ से हो जाएगा 100 + 40 × 3 = 100 बराबर जो है 40/100 + 20 × 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 100/ कितने हो गए 140 × 3 = 40/120। अगर कैंसिल आउट होना चाहे तो काट सकते हैं, ये से कितने बार में, 4 बार में जाएगा, ये से कैंसिल हो गया 10 बार में गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, 10 बार में ये कट गए, तो यानी हमने ये कहा कि 100 = 140 × 10। अब कहो कि सर ये क्या लिख दिया आपने, ये तो कोई वैल्यू निकली नहीं। आपने कहा कि सर ये तो कोई वैल्यू निकली नहीं, यही तो बात है, यही बात है कि यहाँ से समझने वाली बात है कि ये वैल्यू हमने क्या लिखा कि सर 100 ये क्या लिख दिया। देखो हमने क्या करा कि हमने आपको दोनों दे रखा है कि 15 बॉल को इन्होंने बेचा 500 रुपये में, 40% का प्रॉफिट हुआ। दूसरी जगह क्या कर रखा है, 10 बॉल बेचा 400 रुपये में, 20% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन यही चीज़ है कि दूसरी जगह में आपसे क्या करेगा, यहाँ पे या तो प्रॉफिट नहीं देगा, या फिर जो है आर्टिकल नहीं देगा, या फिर जो है आपसे जो है सेलिंग प्राइस नहीं देगा। तो यानी कि इन तीनों में से जो है कोई भी एक चीज़ जो है आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहता कि अगर जो है यहाँ पर जो कितने परसेंट में 10 बॉल जो है 400 रुपये के हिसाब से अगर ये बेच रहा है तो इसको कितने रुपये का प्रॉफिट होगा, तो हमने मान लिया कि X रुपये का इसको जो प्रॉफिट हुआ, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी हमारी हो जाएगी X हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा X हो जाएगा। तो अब जब X होगा तब यहाँ से कट करके आएगा, यानी कि 100/140 × 30 = 40/100 + X, ठीक है। अब यहाँ से कट करके आएगा, तब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू निकल करके आएगी। सॉल्व करके देख लेते हैं कितनी निकल करके आएगी। हमने ये कहा कि 100 कैंसिल हो गए, इधर आ गया 100 + X, कितने हो गए 40 × 40 = 42, ठीक है, हो गया 100 + X = कितने हो जाएंगे 8 × 4 = 16, ठीक है, इतने होंगे ना, ठीक है 40, ठीक है, ठीक है। X बराबर कितने आ गए 1680 माइनस, हम यहाँ से क्या करेंगे 100 आप घटाओगे तो X की वैल्यू निकल करके आएगी 1580, ठीक है। अगर आप इसकी जो परसेंटेज वैल्यू आप निकालोगे तो ये तकरीबन निकल करके आएगा आपको जो है 15.8%, यानी कि दूसरे को हमें कितने में बेचना पड़ेगा 15.8% में इसको जो है बेचना पड़ेगा, हमें जो है सेल करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने ये एक कॉन्सेप्ट को हमने समझा, इसके ऊपर जो हमने सवाल की बात करी, चर्चा करी। दूसरी बात, अगर देखो कि हम क्या कर सकते हैं कि इस सवाल को हम डायरेक्टली यहीं पर कर सकते थे, यहीं से हम सवाल को कर सकते थे, इतना लंबा हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब जो है अब जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब हम बैठेंगे तो हम इतना लंबा थोड़ा ना करने जाएंगे।
हम पागल हैं जो इतना लंबा करेंगे? इतना लंबा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि शॉर्टकट तरीका हम अपनाएंगे, वो कौन सा है कि यानी कि हम ये देखेंगे कि भैया जो है पहले जो शॉर्टकट तरीका है हम वहाँ से देखेंगे कि क्या होगा हमारे पास P1 अपान के x ब्रैकेट में 100 प्लस एक्स सॉरी ए बराबर P2 अपान के 100 प्लस बी प्लस माइनस बी इंटू वाई। तो अब एक चीज़ अगर मैं ये कहूँ डायरेक्टली अगर मैं यहाँ से निकालता कि पहले को कितने में बेचा 500 रुपये में, ठीक है, कितनी बॉल बेची आपने कहा कि सर 15 बॉल बेची इंटू कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 40% का, तो हमने ये कहा कि 40 हो गया इसक्वल टू दूसरे को कितने में बेचा इन्होंने 400 में, कितनी बॉल बेची है 10 बॉल बेची है, कितने का प्रॉफिट हुआ नहीं पता हमें निकालना है, तो हमने ये कह दिया कि 100 प्लस बी निकालना। तो अब यहाँ से अगर हम डायरेक्टली अगर देखो तो ये कट करके निकल के आएगा 500 × 15 × 140 = 400 / 10 × 100 + b। कैंसिल करो, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 100 हो गए, कितने हो गए बताओ जी कितने हो गए, ठीक है 500 है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये कितने हो जाएगा 5 × 15 = 50, ठीक है। तो अब यहाँ से ये कितने निकल करके आ गए आप यहाँ से निकाल लीजिए, बहुत इजी वे में निकल करके आएगा, यहाँ से कितने हो गए 10, ठीक है 10 अपान के 14 × 42 = 40 अपान के 100 प्लस बी, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 प्लस 10b = 40 × 42, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 10b = कितने हो जाएंगे 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 168, 1680, 10b बराबर कितने हो गए 1680 में से अगर आप 1000 घटाओगे तो ये कितने निकल करके आएंगे 10b बराबर हो जाएगा 680, बी बराबर कितने हो जाएंगे 68%, यानी कि दूसरे को कितने में बेचने पड़ेंगे 68% में बेचना पड़ेगा, ठीक है इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने कुछ गलती करी थी क्या, जहाँ पर हमने जो है ये कितने आए थे 1680 140 थे यहाँ पर, ठीक है ना 140, कोई गलती तो हो ही नहीं थी, हाँ 30 की जगह 3 था यहाँ पर गलती हुई थी, 30 की जगह 3 था इसलिए 10 कटता तो ये यहाँ पर जो 10x हो जाता और 10x जब होता तो ये 1000 होता उधर जाता तो ये जो है आपको मिल जाता 680, यानी कि 68% का जो है आपको जो है क्या होता प्रॉफिट होता, ठीक है सॉरी माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये हम जो है यहाँ से जो है शॉर्टकट तरीक़ा से जो है हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये तो पहला तरीका था कि हमने इस चीज़ को जो है यहाँ से हमने जो है चेक करा, देखा, हमने नोटिस करा, हमारा जो कॉन्सेप्ट था हमने एक कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर देखा, अब जो है हमने यहाँ पर सवाल को देखा, लेकिन इसी को और शॉर्टकट तरीक़ों से हम कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं कि दूसरे तरीक़ों को भी हम कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम जो है चर्चा करते हैं। चलिए आगे सवाल पे हम बात करते हैं, ठीक है। देखो हमने कहा ना मेरे भाई कि आपको जो है इतना करना है कि आपको जो है कलम चलाने की ज़रूरत ना पड़े, इतने आपके कैलकुलेशन फास्ट होने चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको जो है शॉर्टकट तरीके से करेंगे। हमने कहा कि ये एक व्यक्ति है राम, कौन है राम, इसने जो है हमने कहा कि इसने जो है मान के चलो कि 20 बॉल हमने कहा कि 20 बॉल इसने 600 रुपये में बेची, तो जब इसने 600 रुपये में बेचा तो इसको जो है हमने कहा कि भैया इसको जो है कुल मिला करके 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसने जो है इसने कितनी बॉल बेची हमने कहा कि इसने कितनी बॉल बेची होगी 400 रुपये में कि इसको जो है हम ये कह सकते हैं कि इसको 40% का प्रॉफिट हो। तो यानी कि यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ बॉल है ना, यहाँ से
बॉल पूछ रहा है कि बॉल को कितना बेचा होगा, 400 रुपये में कितनी बॉल बेचे होगी कि इसको जो है 40% का प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा ना कि इनमें से कोई भी चीज़ आपसे जो है पूछ सकता है, या तो बॉल के नंबर ऑफ बॉल पूछ सकता है या फिर नंबर ऑफ आर्टिकल पूछ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बॉल के ऊपर ही सवाल बने, बहुत टाइप के सवाल बनते हैं, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहता है, ठीक है। तो कुछ भी इसमें से पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो अगर डायरेक्टली अगर हम ये करें, देखो 20 बॉल इसने 600 रुपये में बेचा तो 20% का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर कहेगा क्वेश्चन में कि कितने बॉल 400 रुपये में बेचे कि इसको जो है 40% का प्रॉफिट हो, इस तरीके से आपसे जो है क्वेश्चन पुटअप करेगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि हमें बहुत लंबा नहीं जाना है, हमें क्या करना है कि P1 अपान के x ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस a इजिकल टू P2 अपान के y इंटू 100 प्लस माइनस b, ठीक है। P1 को कितने में बेचा, 600 रुपये में, कितनी बॉल थी, 20 बॉल थी, कितने में प्रॉफिट हुआ, आपने कहा सर 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, बराबर। इसको कितने में बेचा है, 400 में, कितनी बॉल बेची हमें निकालना है, नंबर ऑफ आर्टिकल है या नंबर ऑफ बॉल हमें निकालना है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आपने कहा कि सर जो है 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे ऐड कर दिया। तो सीधी सी बात है कि हमने ये निकाल दिया 600 बटे के 20 इंटू ये कितना हो जाएगा, आपको सर 120 हो जाएगा इजिकल टू 400 अपान के वाई इंटू 140 हो जाएगा। कैंसिल आउट करो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हम ये कर सकते हैं। हमने कहा कि 20 + 60 30 हो गए, ठीक है, और कट रहा है एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 × 12 हो गए, कट रहा है कोई, तो ये क्या हो जाएगा 14 × y इजिकल टू 40 × 4 वाई बराबर कर लीजिए आप 40 × y अपान के जो है 14 कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 × 7 = 14 2 × 2 = 4 यानी कि y बराबर कितनी हो जाएगी 80/7। यानी कि अगर हम ये निकालना चाहें तो ये समथिंग कुछ कर करके हम ये कह सकते हैं कि 7 × 7 = 7 × 7 = 3, ठीक है, समथिंग हम ये कह सकते हैं कि 11 कुछ कर करके निकल करके आएगा 7 × 28, ठीक है। तो यानी कि इसने जो है 400 रुपये में समथिंग जो है 80/7 के हिसाब से बॉल बेची होगी, तभी जा करके इसको जो है 40% का प्रॉफिट हुआ। ये जो है शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीके से हम ये निकालते हैं, ठीक है, इसको निकालते हैं। इसी फॉर्मूले को लोग क्या कहेंगे कि कुछ लोग इसी फॉर्मूले को कहेंगे कि हमने बनाया है, हमारा ये निजात है, हमने ये कराए। अरे भाई ये आपने नहीं बनाया, ये सदियों से हैं, ठीक है, तो इतना हमें लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान था। इसी टाइप के जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि भैया बताओ कि एक व्यक्ति ने 15 बॉक्स जो है कुछ रुपए में बेचा तो उसको जो है 40% का प्रॉफिट हुआ। यदि जो है उस अगर वही व्यक्ति इतने रुपए कम में इतने बॉक्स खरीदता तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होता, इस तरीके से समथिंग क्वेश्चन को आपसे पूछेगा। तो हम जो है नेक्स्ट क्लास में इस पर जो है चर्चा पे बात करेंगे कि कैसे जो है क्वेश्चन इस पर जो है पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा, कॉन्सेप्ट इसके ऊपर जो हमने 2 एग्जाम्पल हमने देखे, आने वाली क्लास में हम जो है इस पर जो कितने क्वेश्चन बनते हैं उसके भी ऊपर भी हम जो है चर्चा करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।